तो लोकसभा चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव प्रचार पूरी जोर शोर के साथ की जा रही है। वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें, क्योंकि वो बहुत खास हो जाता है, वहां पर कहते हैं कि गन्ने की फसल के साथ साथ चुनावी फसल भी लहलहाती है, जिसकी उसको जीत मिल जाती है। तो प्रियंका गांधी पूरा दम लगा रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, कई रैलियां अब तक वो कर चुकी हैं, और बिजनौर में रैली के दौरान प्रियंका गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लग गए, और ऐसे में प्रियंका गांधी ने लोगों पर फूल फेंके, और इस रोड शो के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां बिजनौर में उनके रोड शो के दौरान हंगामा हो गया। रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रियंका कांग्रेस उम्मीदवार नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समर्थन में रोड शो कर रही थी। दरअसल बिजनौर में जब प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी, तब वहां पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए और मोदी मोदी के नारे लगाने लग गए। तभी प्रियंका ने उनकी ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए उन पर फूल और कांग्रेस का झंडा फेंक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता चौकीदार चोर है कि नारे लगा रहे थे, तो वहीं बीजेपी वालों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं मतदान के प्रचार के अंतिम दिन आज प्रियंका गांधी का बिजनौर के बाद सहारनपुर में भी रोड शो था। गौरतलब है कि बिजनौर और सहारनपुर में पहले चरण में 11 अप्रैल को ही मतदान होना है, जहां बिजनौर में कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह और बसपा के मलूक नागर के बीच मुकाबला है। वहीं सहारनपुर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद लोकसभा प्रत्याशी हैं। इनका मुकाबला बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल और बीएसपी से फजलूर रहमान से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।